हे गाइस, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए निकिता इनानी और हम लोग मिल रहे हैं आज एक और नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे इस नए वाले लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में बड़ा ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। इसके बिना अकाउंट्स की शुरुआत ही नहीं हो सकती। अभी तक हमने जो पढ़ा, क्या आपको वो सब याद है? हम लोगों ने एक छोटा सा स्टोरी पढ़ा था जिसके माध्यम से हम लोगों ने डेफिनेशन सीखी थी बुककीपिंग की। बुककीपिंग का क्या मतलब होता है गाइस? बुककीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कैरी ऑन होते हैं उसको क्या करना है? रिकॉर्ड करना। बेसिकली हमने कुछ सारे ट्रांजैक्शंस भी देखे थे जो प्रीवियस वाले वीडियो में, अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर आप मिल जाएंगे। और अगर आप नहीं भी देख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें सीखने मिल जाएगी जो आपने मिस करी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है गाइस गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का। क्या है, एक बार जोर से बोल दीजिए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी मेंशन किया, इसके बिना हमारे अकाउंटेंसी की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो पहला ये अकाउंट हमारा होता है पर्सनल अकाउंट्स। कौन सा होता है, जोर से बोलो। अभी अभी स्क्रीन पर हम लोगों ने देखा, इट इज पर्सनल अकाउंट्स। क्या मैम ऐसे गोल्डन रूल्स में और भी कुछ अकाउंट्स है? हाँ, सारे अकाउंट्स है, देखते हैं। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्या आपको यहाँ पे दिखता है? रियल अकाउंट है। उसके बाद में है नॉमिनल अकाउंट, क्या आपको दिखता है? मैं जूम कर रही हूँ, नॉमिनल अकाउंट। पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट पे। क्या बोलता है इस गोल्डन रूल का जो एक सार है, जो आपको ब्लैक कलर के बॉक्स में दिखता होगा, वहां लिखा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या लिखा है गाइस, जोर से एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या मैं यहां पे आपको वापस से लिख दूं ये चीज? आपको भी ये सब कॉपी में लिखना है गाइस। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ऐसा क्यों? मैंने जो ये कॉन्सेप्ट लिया है ना, ये सारे जो अभी थ्योरी आप बोलते होंगे कि मैम बाकी के जो थ्योरी छोटे छोटे टॉपिक्स है आपके बुक में, मैम वहां से क्यों नहीं आपने स्टार्ट किया? तो वो उसकी कुछ वजह है। अगर हम लोग ये पढ़ने के बाद में वहां पर मूव करके पढ़ेंगे ना तो बहुत ईजीली समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग पहले ही चीज़ को यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं ताकि हम लोग बाकी की चीज़ें बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मैम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, कुछ तो एग्जांपल भी दो। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर पे आ जाइए और देखिए वहाँ पर लिखा है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुनील। क्या यहाँ पर मैं वो एग्जाम्पल नंबर 1 लिख दूँ? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुनील, मतलब हम लोगों ने सुनील से गुड्स परचेज किए, हमारे बिजनेस में गुड्स लाए हैं। तो सुनील कौन है? सुनील इज द गिवर। आप यहां पर भी देख लीजिए, सुनील इज द गिवर और गिवर का अकाउंट हम क्या करते हैं? गिवर का अकाउंट हम करते हैं क्रेडिट। तो पहले तो मैं एग्जाम्पल वाइज आपको बता देती हूं, एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू ए बी सी अकाउंट, ऐसी एंट्री पास होती है। क्या होती है? एंट्री। लेकिन अब यहां पर तो हम लोग गिवर के बारे में बात कर रहे हैं, गिवर को क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट मतलब नीचे के साइड लिखना है, ऊपर का साइड अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं। अभी हम लोग पूरी चीजें नहीं सीख रहे, अभी हम लोग एक एक चीज सीख रहे हैं। अभी हम लोग खाली पर्सनल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुनील के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है गिवर, और गिवर का अकाउंट करते हैं क्रेडिट। तो खाली मैं क्रेडिट में लिखती हूं सुनील अकाउंट क्रेडिट। डेबिट मुझे नहीं पता, डेबिट अभी के लिए मुझे नहीं पता। क्या आपको ये एंट्री समझ में आता है कि सुनील को मैंने क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज सुनील इज द गिवर ऑफ समथिंग दैट इज गुड्स टू आवर बिजनेस। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखेंगे तो सेल ऑफ गुड्स टू राहुल, क्या लिखा है? सेल ऑफ गुड्स टू राहुल।
लिखेंगे हम लोग नंबर टू, सेल ऑफ गुड्स टू राहुल. क्या किया हमने? राहुल को गुड्स बेचे. तो गुड्स का रिसीवर है राहुल, इज द रिसीवर. अरे हाँ कि ना, हम लोगों ने राहुल को गुड्स सेल किए, इसको गुड्स सेल किए, तो राहुल के पास कुछ रिसीव हुआ होगा, मतलब गुड्स आए हैं, राहुल इज द रिसीवर. और ये पर्सनल अकाउंट के बारे में बात हो रही है, तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? नाम सुनील है, राहुल है, तो राहुल को गुड्स मिल रहे हैं, इज द रिसीवर. तो यहां लिखा है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. तो एंट्री कैसी पास करेंगे? हम लोगों को डेबिट पता है किसको करना है, राहुल को. क्रेडिट किसको करेंगे मैम? पता नहीं, ब्लैंक छोड़ दूंगी मैं अभी उसको. ठीक है क्या? हम लोग खाली एक सिंपल चीज आज पढ़ रहे हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जिसमें पहली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट्स. क्या आपको इतना समझ में आता है कि ये मैं क्यों लिख रही हूँ ऐसे? खाली इतना ही समझाना है. पूरी पूरी एंट्री हम लोग धीरे 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 सीखेंगे. खाली अभी के लिए मुझे बताओ, क्या ये एंट्री, ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री आपको समझता है, नंबर वन एंड नंबर टू? ओके, आ जाइए नंबर थ्री एंट्री पे. संजय कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश. गाइज देखो, अभी बिजनेस करना है तो बिजनेस में कैश भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं? अपने आप तो बिजनेस नहीं चलेगा, तो बिजनेस का कोई तो ओनर है. कौन है? ओनर है. यहाँ पर आ जाइए, हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ते हैं. देखो, कोई ओनर है, उसका एक बिजनेस है. ओनर और बिजनेस अलग अलग है. आपको थोड़ी देर में अकाउंटिंग में जो स्पेशलिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का, वो समझ में आ जाएगा कि पर्सन, मतलब जो बिजनेस शुरू कर रहा है और जो उसका बिजनेस है, दोज आर सेपरेट एंटिटी. मतलब ये लोग दोनों अलग अलग है. मतलब अगर निकिता बिजनेस कर रही है तो निकिता अलग है, उसका बिजनेस अलग है. अब जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने थोड़ा बहुत कैश जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, और उस कैश को जिससे मैं बिजनेस स्टार्ट करती हूँ उसको बोला जाता है कैपिटल. कैपिटल समझ में आता है क्या आपको? उसका स्पेसिफिक नाम होता है कैपिटल. अच्छा, ये पर्सन का नाम अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा क्या है, संजय कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश. मतलब ये वाला जो पर्सन है इसका नाम है संजय. संजय कौन है? गिवर. उसने कैश दिया है ना बिजनेस को, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. अच्छा, अब यही बिजनेस पर्सन है तो इसका थोड़ा सा एंट्री इस तरीके से चेंज करेंगे. गिवर है ना, तो गिवर को क्या करना है? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर. अब मुझे डेबिट का नहीं पता, क्रेडिट करूंगी टू कैपिटल अकाउंट. आप लिख सकते हैं संजय हैज प्रोवाइडेड कैपिटल. नीचे नोट्स भी लिखने होते हैं गाइस. हाँ, यहां पर जब एंट्री पास करते हैं ना, ये वाला जो एंट्री पास किया, तो नीचे ना ब्रैकेट में लिखना होता है बीइंग परचेज ऑफ गुड्स. ऐसा हम लोग नरेशन लिखते हैं, उसको नरेशन बोलते हैं. धीरे से वो भी पढ़ेंगे. ये वाले कॉन्सेप्ट के बाद मैं सारे आपको वो कॉन्सेप्ट्स भी एक बार पढ़वा दूंगी, और इसके बाद वो बहुत अच्छे से समझेगा. सेकेंड एंट्री में हम लोग नीचे नरेशन में लिखेंगे बीइंग सेल ऑफ गुड्स टू होम राहुल. ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, एक पर्सन है जिनका नाम संजय है और उनका बिजनेस है, वो उस बिजनेस को कुछ कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या? कुछ कैश प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बिजनेस में जाकर के बन जाता है कैपिटल. तो एंट्री का नाम पड़ जाता है समथिंग समथिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पर अगर आप देख सकते होंगे तो क्रेडिट द गिवर एंड संजय इज द गिवर, तो संजय के बदले हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल, क्योंकि संजय तो ओनर है. अपने ही बुक में अपना नाम लिखेगा क्या? नहीं, वो उसको बोलेगा कैपिटल. मैंने अपने बिजनेस को यहां से स्टार्ट किया है. नरेशन में नीचे लिख दिया जाएगा बीइंग संजय प्रोवाइडेड कैश टू बिजनेस सो एंड सो. ठीक है, तो ये गाइस हो गया पर्सनल अकाउंट के बारे में. क्या आपको इसका एंट्री का जो सार है वो समझ में आया है क्या? अगर समझ में आया है तो हम लोग नेक्स्ट वाले गोल्डन रूल के तरफ मूव करेंगे. अभी के लिए क्या आपको पर्सनल अकाउंट समझ में आता है? कितने टाइम का हो गया ये वीडियो? दिस इज 10 मिनट्स. ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में खाली इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अ रियल अकाउंट. व्हाट इज अ रियल अकाउंट.
रियल अकाउंट। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर सारे गोल्डन रूल्स ऐसे ही रहेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ लिखा होगा। हम लोगों को उस गोल्डन रूल्स को धीरे धीरे याद करना है और कोशिश करना है एंट्रीज को पास करने की। अभी तो मैम आधी आधी एंट्री पास कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्रेडिट नहीं लिखा है, यहाँ पर डेबिट नहीं लिखा है, यहाँ पर वापस से डेबिट नहीं लिखा है। वो जैसे जैसे हम लोग सारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट सीख जाएंगे तो पूरी एंट्री को भी पास करना सीख जाएंगे। अगर आपने स्टोरी में देखा होगा तो मैंने आपको बोला था जो हमको कैश दे जाता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास कैश आ चुका है, लेकिन जिसने कैश नहीं दिया होता है उसका जो नेम है वो याद रखना जरूरी है। तो क्या आपको इस एंट्री में दिखता है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुनील, यहाँ पर आगे मेंशन नहीं दिया है फॉर कैश है कि नहीं? अगर सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया होता है परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, फॉर कैश फ्रॉम सुनील, अगर ऐसा लिखा है तो हम लोगों को सुनील का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स टू राहुल किया है, अगर बोलते हैं फॉर कैश तो यहाँ पर राहुल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर राहुल ने कैश नहीं दिया है इसीलिए राहुल का हम लोग नाम याद रखने के लिए ऐसा वाला एंट्री पास कर रहे हैं। राहुल का हमको नाम याद रखना है इसीलिए हम लोग ऐसा एंट्री पास कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को सुनील का नाम याद रखना है इसीलिए हम लोग ऐसा एंट्री पास कर रहे हैं। और यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल से ही शुरुआत की है और संजय भाई साहब अपने आप को तो जानते हैं, लेकिन एंट्री कुछ ऐसी पास होगी। डेबिट में क्या जाएगा आपको धीरे धीरे करके कमिंग वीडियोज में पता चलता रहेगा। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है गाइज और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है लाइव फेस टू फेस तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9588448993 पे। फीस एंड ऑल जो भी स्ट्रक्चर्स है आपको इस नंबर पे कॉल करके मिल जाएंगे और जो आपकी नोट्स है सारी की सारी ऐसे फॉर्म में आपको मिलेंगी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी जो आपकी नोट्स है वो बनी है पिक्टोरियल्स में, आपको ये प्रोवाइड भी हो जाएगी क्लास में। ऑल राइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।